How do you know who to trust and why should you trust them? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस पर मेरी इंशाल्लाह मैं सून कोशिश करूंगी कि इस पर मैं पूरी एक वीडियो करूं, क्योंकि ट्रस्ट का इशू छोटा सा इशू नहीं है. और आजकल एक बहुत बड़ा बिगर प्रॉब्लम है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं. उसमें जाहिर है मेरा, आपका और हम सबका कसूर है. इसमें ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बाकी लोग बुरे हैं. ज़माना बहुत बुरा है. उस ज़माने को बनाया किसने? हमने बनाया है ना. तो ट्रस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एक एक लेवल तक जाके एक बंदे को ओपन चांस दें. सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जो बहुत शक्की होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अगले बंदे पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उनको धोखा मिलता है. और कुछ लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी उनकी फ्रेंडशिप ही नहीं हो पाती है. तो एक एक बहुत बड़ी इसमें कंफ्लिक्ट चलता है. तो मैं ये कहूंगी कि किन लोगों पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए जिनको आप कह रहे हैं कि बैटल टेस्टेड है. बैटल टेस्टेड होने के लिए क्या है कि आप किसी को ओपन प्ले दें. कोई बंदा ओपनली आप उसको दे कोशिश करें, लेकिन थोड़े से विजिलेंट रहें. अगर कोई बंदा किसी और को धोखा दे रहा है, अगर किसी की कोई दोस्त बन रही है उसने किसी और को धोखा दिया है, तो ट्रस्ट में वो आपको भी धोखा देगी. और अगर किसी को बंदे को आदत है दूसरों की बातें करने की, ये तो आपको पता ही होगा. ये बहुत बड़ी सेंग्स भी है इस पे, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाती हूँ. लेकिन ये कि जो लोग किसी के बारे में गलत बात कह सकते हैं वो नेक्स्ट आप है उनके. तो कोशिश करें कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा आदत है लोगों के घरों में जाने की, बैकबाइटिंग करने की, लोगों के बारे में बात करने की, ट्रस्ट में वो आपके बारे में बात करेंगे. तो इसलिए जहन में रखिएगा कि ट्रस्ट ऐसे लोगों पर करें जिनकी एक ब्रॉडर विजन हो, जो मतलब इससे किसी के घर से हट के बात करते हो. लोगों को बहुत शौक है दूसरों के घरों में जाने का, इतना शौक है. छोटी सी एक बात होगी, छोटी सी चीज होगी, लेग पुलिंग जिसको बात करते हैं, और दूसरा दूसरों के घरों में क्या हो रहा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं. हमारे अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इतने मसले हैं, हमारे भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम अपनी चीजों को देख सकें. और हमें नहीं पता होता हमारी प्रॉब्लम्स का, दूसरों को पता होता है. तो कोशिश करें कि आप दूसरों के घरों में ना झांकें. और जिन लोगों को घरों में झांकने की आदत है वो आपके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं.